योगी की कैबिनेट के विस्तार की चर्चा लगातार हो रही है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें कई लोगों के नाम कट सकते हैं और कई लोगों को सियासत मिल सकता है। जी हां, पुरकाजी से रालोद विधायक अनिल कुमार को मंत्री बनाया जा रहा है। रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने उन्हें फोन कर इसकी जानकारी दी। जयंत ने उनसे कहा कि अनिल जी, लखनऊ पहुंचो, तुम्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले के अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट पुरकाजी से अनिल कुमार रालोद को टिकट पर साल 2022 में विधायकी का चुनाव जीते थे। वही तब तक समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। इसके पहले साल 2012 के चुनाव में पुरकाजी सीट से ही अनिल कुमार बसपा के टिकट पर विधायक बने थे। इस मामले में विधायक अनिल कुमार का कहना है कि चौधरी साहब ने फोन कर मुझे लखनऊ पहुंचने के लिए कहा है, मेरे पास शब्द नहीं थे, किन शब्दों में उनका धन्यवाद करूं, क्योंकि उनका उन्होंने इतना बड़ा काम किया है जो हर नेता नहीं करता। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को यह मौका दिया है और चौधरी साहब के आशीर्वाद से यह संभव हुआ है। उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। आदरणीय जयंत चौधरी जी का मेरे पास फोन आया था लखनऊ जाने के, कि आप लखनऊ पहुंचिए। बाकी अभी कोई ऑफिशियल सूचना मेरे पास राजभवन से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से अभी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी बातें की जा रही हैं कि आपका ये नाम गया हुआ है, तो आपको क्या लगता है? मैंने आपको वही कहा, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे आदरणीय मेरे जो नेता है आदरणीय जयंत चौधरी, उन्होंने मुझे फोन किया था कि अनिल आप लखनऊ पहुंचिए, और इसलिए मैं लखनऊ में। बाकी मुझे कोई अभी ऑफिशियल सूचना नहीं है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये सूचना भी आप लोगों के माध्यम से मुझे मिल रही है। तो अभी आपने जैसे कि बताया भी था इससे पहले कि 5 बजे आज शपथ भी होनी है। हाँ, 5 बजे शपथ होनी है, आप लोगों के माध्यम से मिल रही है। बाकी अभी कोई सूचना तो नहीं मिली ना मुझे, कोई ऑफिशियल कोई जानकारी अभी कोई जानकारी नहीं है। एक बड़ा सवाल रहेगा, अगर मंत्रिमंडल में आप आते हैं, मंत्री बनते हैं, तो किस कौन सा पदभार रहेगा, कौन सा? देखो, पदभार रहेगा ये मेरे हाथ की बात नहीं है। मेरे नेता का आदेश हो, आप लखनऊ चलो, शपथ होती है, शपथ होने के बाद आप मंत्री बनते हैं, फिर आगे कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, क्या वो पोर्टफोलियो देते हैं, क्या जिम्मेदारी देते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से प्रदेश हित में, जनहित में निभाने का काम करूंगा।